Assalamualaikum. Welcome to SG Grammar School, Class 8. Here is your lecture number 7. Exercise 5B, Chapter Quadratic Equations and Graph. Number 1, Exercise 5B. Number 1, the sum of the whole number and the twist the square of the number is 10. Find the number. देखिए, सम ऑफ द होल नंबर है हमारे पास और ट्विस्ट ऑफ द स्क्वायर है हमारे पास 10. ठीक है, फाइंड द नंबर. हमें नंबर फाइंड आउट करना है. लेट द नंबर बी एक्स कंसीडर कर लेंगे. ठीक है, एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10. ठीक है, ट्विस्ट था स्क्वायरिंग का. देन हम इसको 10 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा. इसको ब्रेक कर लेंगे. 2x plus 5, x minus 2 is equals to 0. 2x plus 5 is equals to 0, x minus 2 is equals to 0. x is equals to minus 2 whole number 1 upon 2, or x is equals to 2 is this is your answer. यहाँ x minus में था, यहाँ जाके is equals to के plus में हो गया. Question number 2. If 4 times a whole number is subtracted from 3 times the square of the number, the result 15 is obtained. Find the number. 4 times है हमारे पास होल नंबर, उसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है 3 स्क्वायर ऑफ द नंबर. ठीक है, 3x का स्क्वायर और रिजल्ट हमारे पास ऑब्टेन हो रहा है 15. ठीक है, और हमें नंबर फाइंड आउट करना है. लेट बी द नंबर बी एक्स कंसीडर कर लेंगे. 3x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल्स टू 15. ठीक है, 3x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 3x स्क्वायर. ठीक है, और 4x, 4 टाइम्स होल नंबर इज और 15. प्लस हो रहा है 15, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा. ब्रेक कर लेंगे वैल्यूज, पेयर्स बना लेंगे. 3x प्लस 5, x माइनस 3. 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. x इज इक्वल्स टू 1 होल नंबर 2 अपॉन 3, और x इधर 3 इधर माइनस हो रहा है, यहाँ जाके प्लस हो जाएगा. x इज इक्वल्स टू 3. दिस इज योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. Two consecutive positive numbers are such that the sum of the their square is 113. Find the two numbers. अब हमें इसमें भी two numbers find out करने. इसमें हमें two numbers find out करने. ठीक है, positive of the sum of the their square हमें given है 113. ठीक है, इसमें हमें consider करना है. Let the smallest number be x. The second positive number is x plus 1. ठीक है, x square plus x plus 1 का square is equals to 113. Then इसको हम ओपन कर लेंगे. इसको हम फॉर्मूले से ओपन करेंगे. ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर से ओपन हुआ है. ठीक है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये ए है और ये बी है. ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू 113. ये एक्स स्क्वायर प्लस हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस. अब देखें, यहाँ 113 प्लस में था, यहाँ जाके माइनस हो गया, तो 112 हो जाएगा. 1 से माइनस हो जाएगा तो 112 हो जाएगा. वैल्यू को ब्रेक कर लेंगे. ब्रेक करके ये हमारे पास आंसर आएगा. देन इसके हम पेयर्स बना लेंगे. x माइनस 7, x प्लस 8, ये पेयर्स आएंगे हमारे पास. x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x प्लस 8 इज इक्वल टू 0. 7 यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ जाके प्लस हो जाएगा. 8 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा. दिस इज योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 4. द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स 7 एंड द स्क्वायर इज 113. फाइंड द टू नंबर्स. अब डिफरेंस है पॉजिटिव नंबर 7 हमें गिवन है और द सम ऑफ द स्क्वायर गिवन है 113. फाइंड द टू नंबर्स. द टू नंबर्स इज 7 एंड 8. ठीक है, टू नंबर्स का गिवन है 7 एंड 8 ले लिया, और इसका हमारा सम क्या गिवन है 113. ठीक है, 113 का भी स्क्वायरिंग कर लेंगे. द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव नंबर इज x प्लस 7. x प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 289. ठीक है, x इसको हम फॉर्मूले से ओपन कर लेंगे. x प्लस 2x प्लस 7, ये 2x हो जाएगा. ठीक है, देन ये फॉर्मूले से ओपन हो जाएगा. 2 ज़ा 4, और ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से ये ओपन होगा. ठीक है, 7 ज़ा 49, इस तरह 289. देन यहाँ पे 289 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा 49 से, तो हमारा आएगा आंसर 240. ठीक है, देन इस वेल्ट्रम को हम ब्रेक कर लेंगे. ठीक है, देन हम इस टर्म के पेयर्स बना लेंगे. पेयर्स आएंगे x माइनस 5, x प्लस 12. x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0. x इज 5 यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ जाके प्लस हो जाएगा. 12 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा. दिस इज योर आंसर. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.